सांप सीढ़ी या लूडो का खेल एक गांव इसी खेल की हकीकत से दो चार है। एक ऐसा गांव जहां सांप भी है, आगे बढ़ने की चाहत भी है, लेकिन विकास का अभाव इस गांव में फन फैलाए हुए इस गांव को पीछे धकेल रहा है। आज हम ऐसे ही गांव में आपको ले चलेंगे जिसके सांप और बीन ही उसकी पहचान है, लेकिन ये गांव अब करवट लेने की कोशिश में जुटा है, सपेरों की पहचान छोड़ शिक्षित हो रहा है। सपेरे और संघर्ष की एक पूरी कहानी। आज हम उस गांव में हैं जिसे आप नागलोक भी कह सकते हैं। एक ऐसा गांव जहां हर घर में मिल जाएंगे वो विषधर जिनका ये गांव घर बन गया है। बीन की धुन पर नाचते सांप, यहाँ सांप बन जाते हैं खेल खिलौना। क्या बच्चे क्या बड़े, इस गांव में किसी को भी इन जहरीले सांपों से डर नहीं लगता, क्योंकि इस गांव में इन सांपों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दो वक्त की रोटी का इंतजाम माना जाता है। हालांकि अब इस गांव में एक अलग भी जगी है, अलग शिक्षा की और अलग आगे बढ़ने की। सांप भी सपेरे भी अब शिक्षा भी। सांपों के साथ ABCD, गले में सांप गणित का ज्ञान, विषधर के बसेरे में शिक्षा की रोशनी। मेरा गांव बदल रहा है। आगरा मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर गांव सोरन का पुरा। इस गांव को सांपों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सपेरे रहते हैं और आज हम इसी गांव में हैं। यहाँ की जिंदगी जानने के लिए, सपेरों की मजबूरी जानने के लिए। आपको याद होगा कि 150 साल पहले अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत पर बारीकी से अध्ययन किया और भारत के बारे में कई सारी बातें कही और लिखी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत जादूगरों का देश है, सपेरों का देश है। और अब 150 साल बाद जब हम आगरा के शमशाबाद के सोरन का पुरा पहुंचते हैं तो अंग्रेजों की बात की पुष्टि करता ये गांव नजर आता है। आंखों में आगे बढ़ने का सपना है, काम सांप के खेल का है, लेकिन ये गांव अब करवट ले रहा है, सांपों से हटकर शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहा है। क्या है इस गांव के सपने, शिक्षा और सांपों के तालमेल में क्या चुनौतियां आ रही हैं सामने, इस गांव की कहानी और साथ सांपों के कर्तव्य से शिक्षा की ओर बढ़ते कदम की हर तस्वीर आपको आज दिखाएंगे। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। चलिए तो आपको उस गांव में ले चलते हैं जो सपेरों का गांव कहलाता है, जहां आपको हर घर में सांप घूमते हुए मिल जाएंगे। गांव के लोगों का पेट ये सांप ही पालते हैं, क्योंकि ये गांव शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कोसों दूर है। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए। आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ बनेंगे, वो जमाना बदल रहा है तो हमें बदलना पड़ेगा जमाने के साथ। लिखा स्कूल हो तब तो करें, पवन भैया हैं वो बड़ा पढ़ा देते हैं सुबह शाम, इसलिए उधर ही पढ़ते हैं, स्कूल है नहीं इधर कहीं। सांप सीढ़ी का खेल तो आपने देखा होगा, खेला भी होगा, लेकिन आगरा के शमशाबाद ब्लॉक का गांव सोरन का पुरा के लिए ये सांप सीढ़ी का खेल खेल नहीं है बल्कि हकीकत है। जी हाँ, जैसे सांप सीढ़ी के खेल में पासा फेंका जाता है, गोटी को आगे बढ़ाया जाता है और सांप के डसने से खुद को बचाया जाता है, कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव से ये गांव हर रोज गुजरता है। हाथों में जहरीले सांप और ये अनोखी क्लास, इस गांव के बच्चों को इन सांपों से डर नहीं लगता बल्कि ये तो उनके साथ खेलते भी हैं।
खाते भी हैं और इन्हीं को गले में डाले डाले पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन सांप सीढ़ी के खेल की तरह ही इस गांव में कई लचर व्यवस्था फन उठाए इस पीढ़ी को पीछे ढकेल रही है, जिससे इस गांव के आने वाले सुनहरे कल पर भी सवाल बना हुआ है। आज हमारे बच्चे सांपों से अपना जीवन मतलब छुप छुप कर अपना गुजारा करते रहते हैं, उन्हीं से खेल रहे हैं आज भी। आज की पीरियड में हमारे गांव की नज़र घुमा के देख सकती है सरकार कि हमारे बच्चे कितने होशियार हैं, कितनी दिमागदार हैं, जो ताकि सांप पकड़कर अपने काल को बंधन करके अपना पेट का पालन करते हैं। तो आज भी हमारे बच्चे सांपों से ही खेल रहे हैं सर, और सांपों के अलावा उनको कोई पढ़ाई लिखाई का कोई चारा क्यों नहीं, कि हमारे गाँव में स्कूल नहीं है सर, हमारे गाँव में कोई सुनवाई नहीं है सर। जो पूछो कि पढ़ाई करना चाहते हो तो सामने से जवाब हाँ में आता है। गांव के बच्चे शिक्षा की रोशनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस गांव में न तो कोई सरकारी स्कूल है और न ही पढ़ाए जाने की कोई व्यवस्था, लेकिन इसके बाद भी ये गांव खुद को शिक्षित करने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। कब से सीखा है आपने गले में, कब से पकड़े हुआ उसको? बचपन से। बचपन से तो गांव के सभी बच्चे ऐसे खेलते हैं, सांपों से डरने लगते हैं? हैं? उनको डर नहीं लगता, सभी खेलते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो आप? हैं? कहाँ पर? इनसे पवन भैया से? पवन भैया से। अच्छा, गांव में सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं है। तो पढ़ना चाहते हो, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पढ़ के कुछ बनना चाहते हो। और स्कूल हो तो आगे पढ़ाई करोगे अच्छी? हाँ। गांव का इतिहास सांपों से ही जुड़ा है, लेकिन न तो यहाँ के बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं और न ही उनके पास कोई खेती है। ले दे के सांप ही हैं जिनके जरिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। हालांकि अब इस गांव ने आगे बढ़ने की राह पकड़ ली है और ये गांव उम्मीदों से पूरी तरह से लबरेज भी है। के बच्चे हमारे ये कहते हैं कि हमें फौजी बनना चाहिए, हमें हमारे अंदर में दमाक है, हम पुलिस पढ़ सकते हैं, हम पुलिस बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम आगे भी दमाग से कुछ ही अपना गैर दमाग से भी हम अपना गुजारा करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ रोजगार मिले जिससे अपना पेट का पालन कर सकें। पढ़ाई का कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई सब बच्चे आवारा फिर रहे हैं, कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, सब बच्चे हमारे आवारा हैं, बच्चे आपके पास में कोई पढ़ाई नहीं है, बस सांपों से खेलते रहते हैं, इन्हीं से अपना पेट का गुजारा करते हैं। सपेरों का गाँव सांपों से भाईचारा, लेकिन सरकारी सुविधाएं न के बराबर। इस गांव की कुछ ऐसी ही हकीकत है, लेकिन इसी गांव के एक शख्स ने इस हकीकत को बदलने की कोशिश की है। कौन है ये शख्स, मिलवाएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट में। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपको उस शख्स से भी मिलवा देते हैं जो इस गांव का इकलौता पढ़ा लिखा शख्स है और जो इस गांव के बच्चों को शिक्षित करने के मिशन पर जुटा हुआ है। क्या इंग्लिश, क्या मैथ और क्या कोई और सब्जेक्ट, हाथों में वो जहरीले सांप है जो इनकी रोजी रोटियों का जरिया है। और खुद देखिए किस तरह से ये बच्चे उस राह की ओर बढ़ रहे हैं जो इनके सपनों को सच कर दिखाएगी। स्कूल ही हो, स्कूल और ये हमारे हॉस्पिटल हो तो हम कर भी ले, स्कूल हो तो पढ़ लिख के कुछ बढ़ मिले। अब पढ़ना नहीं जानते, अब जैसे बड़ी नौकरी पे इसमें जाए तो पढ़ लिख के कुछ पूछते हैं, कुछ आता नहीं आता, हम कहते नहीं आता, तो छोटी मोटी में तो जा सकते हो, उनके लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ना आता हो ना, इसलिए पवन भैया से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। जब बड़े होकर किधर नौकरी लगती है तो इधर थोड़ा बहुत तो चाहिए ना पढ़ना। अब इनसे मिलिए, नाम है पवन। पवन वो शख्स है जो गांव के एकमात्र पढ़े लिखे हैं और फिलहाल पवन अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के मिशन पर जुटे हैं। पवन ने गांव से बाहर रहकर बीएससी की पढ़ाई की, पढ़ा लिखा होने के बाद भी पवन को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने गांव के बच्चों को ही शिक्षित कर उनके सपने पूरे करने की कसम खा ली। अब मैंने यही सोचा है कि एक तो यही होता है कि पढ़ लिख के कोई कुछ करता है, अपने लिए करता है कि मेरा जीवन सुधरे और मैं मतलब अच्छे से जीवन जी सकूं, पर मैंने यही सोचा है कि मेरा जीवन यही है कि मैं अपने बच्चों को सुधार सकूं, इनको नई विचारधाराओं से जोड़ सकूं। तो मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि जैसे मैं शिक्षित हूं ऐसे इनको भी शिक्षित करूं, ताकि मैं जो मुकाम नहीं पा पाया वो ये कर लें।
प्रशासन से मदद की उम्मीद अभी भी पूरी तरह से आंखों से उझल नहीं हुई है। पवन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वहीं गांव के हालातों पर उनकी चिंता भी जायज है। यहां पे जाति प्रमाण पत्र हमारे किसी का भी है नहीं, तो अगर मैं अपना कहीं अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए तो सब जगह जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है और वो हमारा है नहीं। सरकार से हम काफ़ी साल से निवेदन कर रहे हैं, ये हर किसी को अपनी जाति का हक मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए, तो कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। पीढ़ी दर पीढ़ी सांपों का कर्तव्य दिखाते इन सपेरों के गांव में विकास की राह अब तक नहीं पहुंची है। हालांकि जिस तरह से गांव के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो जरूर अंधेरे में रोशनी की एक किरण की तरह दिखाई देती है। सपेरों के इस गांव की दास्तान हमने आपको दिखाई, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस गांव के लोग कहते हैं कि इस गांव में आज भी प्रशासनिक लापरवाही के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ गांव वालों को नहीं मिला। अब ऐसे में गांव में एक युवक पवन ने अलग जगाई है शिक्षा की, वो लोगों को शिक्षित कर रहा है, युवाओं को शिक्षित कर रहा है, बच्चों को शिक्षित कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी सपेरों का काम ना करे और जो बाप दादा करते चले आए हैं उस काम से इनको निजात मिले और कुछ शिक्षित हों और रोज़गार इनको मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।